हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मैं इलेक्ट्रॉन में स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का। माइनक्राफ्ट के इस वर्ल्ड में आप सब लोगों का स्वागत है, जहाँ पे आज मैं आपको सीक्रेट डोर्स बताने वाला हूँ या फिर सीक्रेट एंट्रेंस बताने वाला हूँ, कैसे आप बना सकते हैं अपने बेस को छुपाए रखने के लिए, जिसके थ्रू आप एक हिडन बेस बना सकते हैं उस एंट्रेंस के थ्रू। एंड कुछ बताऊंगा और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सीक्रेट बेसेस सबको बनाना अच्छा लगता है, उसकी सीक्रेट एंट्रेंस होके सबको अच्छा लगता है। तो मैं ये बनाऊंगा एंड बताऊंगा कि आपको कैसे बना सकते हैं वो। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड इन सब चीज़ों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा एक सर्वर है जहाँ पर हम लोग सर्वाइवल सीरीज़ खेलते हैं। काफ़ी प्यारा सर्वर है, काफ़ी अच्छा सर्वर है। अभी दो दिन में रिसेट होने वाला है एक्चुअली सर्वर, आप आ करके ज्वाइन कीजिए और एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए वहाँ से। एंड इस सर्वर का जितना भी लिंक, जितना भी डिस्क्रिप्शन है, जितना भी सब कुछ है, सब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड वो सर्वर ज्वाइन कीजिए, इंडियन सर्वर है, काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है और काफ़ी लोग वहाँ पर खेलते हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ पर। तो सबसे पहला आता है स्नो बेस हिडन एरिया, जहाँ पे आप तो एक स्नो का यूज़ करके एक बहुत अच्छा हिडन बेस बना सकते हैं, लाइक बहुत बड़ा हिडन एंट्रेंस बना सकते हैं, जिसके थ्रू पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ गए। और अगर ये देखा जाए तो ये कैसे काम करता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको स्क्रैप फोल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ स्नो प्लेट्स की। तो ये स्नो के एरिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करेगा, जहाँ पे लाइक स्नो वाला एरिया है, जहाँ पे स्नो बायोम से, वहाँ पे जाके ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। क्योंकि अदर जगह पे तो ये लाइक इट्स काइंड ऑफ एनीवन कैन एबल टू सी दैट कि कैसे काम करता है, अदरवाइज़ बाकी जगह तो काफ़ी अच्छा काम करेगा। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको लाइक डिगअप करना है अपने बेस तक का जितना एंट्रेंस आप चाहते हो, और वहाँ से स्क्रैप फोल्डिंग ऐसे ऐसे लगा दीजिए, उसको स्क्रैप फोल्डिंग लगा दीजिए और ऊपर से इसको ऐसे ढक दीजिए बस। और निशानी के लिए या तो आप कोई प्लांट या फिर ट्री कुछ यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि चाहे तो वहाँ पे ऐसे हो गया या फिर ऐसे कुछ हो गया। तो आप जैसे ही आप जाओगे और देखोगे आपको जाना है उसके अंदर, तो ऐसे कर दो, आप अंदर पहुँच जाओगे। तो ये हो गया पहला बेस, जो कि स्नो बेस के अंदर काफ़ी अच्छे तरह से काम कर सकता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली कि आप गए कहाँ और किधर आप गायब हो गए। सो माइनक्राफ्टर्स, मैं अगर नेक्स्ट सीक्रेट एंट्रेंस के बारे में बताऊं तो बहुत ही इजी है और बहुत ही लाइक बड़ा ही अच्छा है। पहले तो आपको एक इतना बड़ा माउंटेन कोई ढूंढना पड़ेगा, या फिर माउंटेन भी ढूंढ सकते हो या फिर नॉर्मल कुछ भी चाहे तो अगर देख सकते हो। पर मेरे को ये माउंटेंस का ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं माउंटेंस का बताना चाहूँगा। और उसके लिए आपको एंडरपॉल चाहिए होगा, एंडरपॉल अगर आपके पास है तो आपसे ये काम बहुत इजीली हो जाएगा। तो जैसे आपके पीछे या फिर तो कोई मॉन्स्टर पड़ा है या फिर आपके पीछे बंदे पड़े हैं, एनिमीज पड़े हैं आपके पीछे सर्वाइवल सीरीज़ में, तो आप यहाँ पे दौड़ते दौड़ते आ सकते हो। और आप दौड़ते दौड़ते आइए, गॉट इट, आप पहुँच गए हैं यहाँ पे अपने इस छोटे से, जो कि आपका यहाँ पे बना हुआ है छोटा सा, ये इस चीज़ पे आप अगर आ सकते हो। पर इस चीज़ को मोर एक्यूरेट के लिए आप अगर लाइक ऐसे कर दोगे तो डायरेक्टली आप इसके अंदर पहुँच जाओगे। तो ये एक ब्लॉक का होता है, क्योंकि मैं एक ब्लॉक का ही बनाया था, थोड़ा सा फेंकने में मिस्टेक हो गया था, बट आप ऐसे बना सकते हैं। बस आपको एक एंड पॉल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली इसमें एंट्रेंस ले पाए। एंड काइंड ऑफ आपको ऐसे जाना है और आपने लाइक ऐसे फेंका तो डायरेक्टली आप इसके इनसाइड पहुंच जाओगे, आप इसके इनसाइड पहुंच जाओगे जहां पे भी आपको जाना है। आप इस पे अपना सीक्रेट बेस जितना बड़ा चाहे, जितना बड़ा और आगे चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं। एंड ये एक तरह की सीक्रेट एंट्रेंस होगी जहां पे किसी और को पता नहीं चलेगा, जहां से आप पूरा वर्ल्ड देख सकते हो या फिर कुछ भी देख सकते हो, बट आपको आने में आसानी होगी और आपका एनिमीज जो होंगे आपको जल्दी ढूंढ नहीं पाएंगे कि यहां पे क्या है, कहां अचानक ये कहां पे हो गया। हां, बस मेन चीज़ है, आपको एक की चाहिए होगी, जो कि की आपकी काम करेगी, एंड पॉली आपके लिए एक की काम करेगी जो आपको यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट करने में मदद करेगी। सो माइनक्राफ्टर्स, नेक्स्ट एंट्रेंस बनाने के लिए, जिसको मैं लावा एंट्रेंस बोलता हूँ, इसको बनाने के लिए जनरली आपको लगेगा काइंड ऑफ एक लावा बकेट चाहिए होगी आपको, डिपेंड्स कि आप कितना बड़ा बना रहे हो। और जनरली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा ये बड़ा ही बनाओ, रीज़न इसलिए क्योंकि आपको अपना जो बेस है वो ग्रीफ नहीं करवाना है, तो इसको थोड़ा बड़ा ही बनाइए ताकि लोगों को लगे कि आर्टिफिशियल है और इजीली आप बन सके।
इसलिए आप बच सके इन सब चीज़ों से। तो सबसे पहले आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो है इस चीज़ की कि आप आप पहले साइन बोर्ड को ऐसे लगा दीजिए एक के बाद एक, एंड एक के बाद एक लगा दीजिए। तो सबसे पहले मैं साइन बोर्ड धड़ाधड़ करके लगा देता हूँ। तो ये हो गया लावा एंट्रेंस, और लावा एंट्रेंस इसका नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ऊपर लावा है नीचे पानी है। तो आप इस साइड चाहे ऐसे चाहे ला करके बना सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरा ऊपर का बेस पहले आपको लावा से ढकना पड़ेगा, फिर उसके नीचे आ करके वो सीक्रेट बेस, सेकंड जो बेस है, सेकंड जो स्ट्रक्चर है, जो सेकंड मैंने साइन बोर्ड्स लगाए हैं उस पर आपको पानी का पूरा एक लेयर डालना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको कोई बंदा चेस कर रहा है या फिर आपको हिडन होना है तो आप डायरेक्टली आ करके इस लावा में कूद जाइए, तो उसको पता भी नहीं चलेगा नीचे आपका सीक्रेट बेस है इस सीक्रेट एंट्रेंस के थ्रू। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड आपका आपका जो होम है, जो आपका घर है, वो ग्रीफ होने से बच सकता है। और ये सर्वाइवल मोड में काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा सीक्रेट एंट्रेंस है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्राफ्टर्स, नेक्स्ट जो सीक्रेट एंट्रेंस है वो एक्चुअली एक ट्री सीक्रेट एंट्रेंस है। ट्री सीक्रेट एंट्रेंस इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो ट्री से वो निकल करके उसका जो भी है बटन है उसको क्लिक करने के बाद ही वो चीज़ ओपन होती है। तो ये चीज़ कैसे होगी उसके लिए आपको, तो पहली बात डिपेंड्स कि आपको कितना बड़ा एंट्रेंस चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा आपको रिपीटर्स लगेंगे तो 4 रिपीटर ले लीजिए, 4 पिस्टन ले लीजिए, एंड सम रेड स्टोन चाहिए होगा, एंड उसके थ्रू बनाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनाते हैं। तो लीवर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, लीवर भी आपको ले लीजिएगा, एक खोलने के लिए और एक बंद करने के लिए जो कि चलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्री लगा देता हूँ। मैं जल्दी से बड़ा हो जा, 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 बड़ा जा, बड़ा जा, बड़ा जा। ओके नाइस, ये बड़ा नहीं हो रहा। बेशन ट्री, ट्री ट्री ट्री, ये देखो ओक्स पटली। ओके ठीक है, ये हो गया बड़ा। एंड यहाँ पे लगा दीजिए एक काइंड ऑफ एक लीवर लगा देना है यहाँ पे, इसके इस पे नीचे साइड में यहाँ लीवर लगा दो, ठीक है। एंड इसी के रिलेटेड यहाँ पे ले लो तीन एरिया में। ओके, तो अभी यहाँ पे ये लग चुका है, तो यहाँ पे तीन ले लो फिलहाल। तो ये एक, दो, तीन, तीन सेंटर बहुत होगा। इसका एक और डिगअप करो, दो साइड अंदर एक और साइड डिगअप कर दो, और पिस्टन डाल दो। स्टिकी पिस्टन चाहिए होगा एक्चुअली, क्योंकि स्टिक हो करके ही वो काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनने वाला।
स्टिकी पिस्टन ले लो एंड ओके स्टिकी पिस्टन के पीछे आपको रिपीटर्स लगाना पड़ेगा, तो रिपीटर्स लगा दो, रिपीटर ले लो एंड इसके पीछे वायरिंग करने के लिए आपको थोड़ा एक और डिगअप उसके पीछे डालना पड़ेगा ताकि उसके नीचे इजली डिगअप उसके नीचे लाइक इसके पीछे वायरिंग इसकी इजली हो सके एंड वो एक वायरिंग होगी आपको ला करके इधर जोड़नी होगी इसके नीचे, तो उसका भी ध्यान रखिएगा कि वहाँ तक कैसे आना है एंड इसको सेफली कैसे भी करके इसको छुपा दीजिएगा, मैं अभी बता दूँगा उसको कैसे छुपाना है। तो अभी लेते हैं हम लोग रेडस्टोन, रेडस्टोन लेने के बाद कनेक्ट करना है हमको तो काम कर रहा है ना ये, एंड ये पिस्टन यहाँ पे आ गया। अभी हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं इसका सेम ये इसके जितना ही ऐसा है कि ताकि वो चीज़ ऐसी दिखे। नाउ ऑन करते हैं एंड नाउ ऑफ किया, ओके नाइस हो ये वर्क कर रहा है। अभी हम लोग इसके नीचे डिगअप करेंगे लाइक थोड़ा सीढ़ी जैसा बना लेते हैं थोड़ा सा। अब जितना अंदर जाए उतना जाकर के आप सीढ़ी जैसा बना सकते हो एंड अंदर जाकर के एक बहुत बड़ा लाइक इतना बड़ा हो जाकर के आप बना सकते हो, क्योंकि ये एक सीक्रेट एंट्रेंस रहेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा जनरली, क्योंकि आप सीक्रेटली यहाँ पर रह रहे हो या फिर सीक्रेटली आपका कुछ भी काम यहाँ पर चल रहा है, सीक्रेटली किसी को पता नहीं चलेगा और कोई भी आपका सर्वर में घर जो है ग्रीफ नहीं कर पाएगा। तो अगर काइंड ऑफ ऐसे देखा जाए तो ये सीक्रेटली ऐसे छुप गया एंट्रेंस का, किसी को पता ही नहीं कहाँ पर क्या एंट्रेंस थी एंड जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये आपकी एंट्रेंस आ गई। तो अगर इसको देखना है तो हमको पहले एक इनसाइड वे से भी हमको डालना पड़ेगा जहाँ पे इनसाइड भी आप ये ऑन ऑफ कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये है तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक लीवर लेंगे, लीवर हमने लिया, लीवर एक्चुअली था हमारे पास, लीवर लिया हमने एंड इसकी जो कनेक्टिविटी है हम लोग अभी इससे करेंगे। तो एक बार देख लेते कहाँ पे है ये, तो इससे करनी है तो हम लोग को थोड़ा संभाल कर करना पड़ेगा ताकि ये वायरिंग ख़राब ना होके एंड काफ़ी ध्यान से कीजिएगा वायरिंग, कि वायरिंग का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है आगे चल करके अगर वायरिंग ढंग से नहीं लगी हो तो। एंड इसको कनेक्ट करते हम लोग इससे जो हमने अभी लीवर बनाया है, जो कि हमारा लीवर ये है एंड इसकी वायरिंग ओके आके हमने कनेक्ट कर दिया और देखते हैं ये वर्क कर रहा है। ओके नाइस दिस इज़ आल्सो वर्किंग। तो अब हमने अब इसको अच्छी तरह से पूरा ढक दीजिएगा और याद रखिएगा कोई भी वायरिंग के ऊपर उसको मत ढकिएगा, क्योंकि अगर वायरिंग के ऊपर ढका तो वायरिंग अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसको ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे करके पूरा ढक दीजिए एंड लीवर को सबसे बेहतरीन तरीके से ढकने के लिए आप उसके साथ ये कर सकते हैं, आप तो इसके आजू बाजू ग्रास लगा दीजिए, ग्रास और सम फ्लावर्स डाल दीजिए ताकि किसी को पता ना चले यहाँ पे कुछ है, बट अपने तक का ही रखिएगा कि आपको चीज़ मिल सके या आपको इजीली कैरी हो। ग्रास लीजिए, ग्रास लेकर के इसके आजू बाजू ताकि इस बेस का किसी को कुछ आइडिया ना लगे कि यहाँ पे कोई बेस भी है या फिर कुछ भी है, इसको ढंग से अच्छे से छुपा दीजिए। नेक्स्ट जो सीक्रेट एंट्रेंस है वो एक्चुअली उसमें मैंने उसको नाम दिया है सीक्रेट की हो डोर, या फिर एंट्रेंस भी बोल सकते हो सीक्रेट की, जो कि ये जो हो है मेरे हाथ में इसका बहुत बड़ा यूज़ होने वाला है
एंड ये एक तरह से सीक्रेट की काम करेगा। एंड कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक रेल चाहिए होगी एंड माइन कार्ड भी लगेगी आपको, तो मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा एरिया ढूंढना है और उसके पीछे जा कर के एक ऐसा लगाना है एंड आपको उसमें जा कर के ये करना है, ये ऐसे लगा करके आप इसमें लगा के ऐसे कर दीजिए और ये कर दीजिए, ये देखिए ये चीज़ हो गई। नाउ अभी सीन क्या है कि मुझे इस चीज़ के चलते वहाँ पे वाला कार्ड दिख रहा है, तो जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे ना तो उस कार्ड के अंदर बैठ जाओगे और जैसे शिफ्ट माउंट करोगे तो आप अपने इस एरिया पे आ जाओगे। तो ये एरिया किसी को नहीं पता चलेगा क्योंकि टाइम टू टाइम जब इस पे ग्रास उग जाएगी, तो जैसे ग्रास उग जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा इस चीज़ के पीछे कुछ था। तो आपके पास आपकी जो की है ये वुडन हो, ये होना ज़रूरी है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आप इस पे राइट क्लिक करोगे और आप इधर पहुंच जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी सीक्रेट एंट्रेंस है जो बहुत कम लोगों को पता है। आप लोग अपने माइनक्राफ्ट में बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हो, आपका घर सा बहुत ही सेफ रहने वाला है। आप तो अपना इम्पोर्टेंट कोई सामान है वो भी डाल करके इधर रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कोई अपने चेस्ट डाल रखा है वो इम्पोर्टेंट रख सकते हो, इम्पोर्टेंट सामान यहाँ पे आप रख सकते हो, चेस्ट आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये किसी एंट्रेंस के किसी को पता नहीं चलेगी। अगर ये किसी घर के पीछे या किसी माउंटेन के अंदर ये बना रखी है आपने, जहाँ पे ग्रास का लीडिंग ब्लॉक है, या फिर ऐसे कहीं आपने इस ऐसी जगहों पे ये बना रखी है, क्योंकि जिस बंदे को भी आना पड़ेगा कभी ऐसे शक ही नहीं करेगा कि इसके पीछे कुछ है भी। आंटी नाइनला जब तक वो उसके पास वुडन हो करके आपके उसी ट्रिगर बॉक्स को आके ट्रिगर करे जिस ट्रिगर बॉक्स के थ्रू ये आपकी माइन कार्ड दिखती है। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा माइन कार्ड में ही दिख रही, राइट क्लिक किया मैं, शिफ्ट दबाया मैं, आ गया इधर। तो ये एक सीक्रेट एंट्रेंस है। तो ये आपको दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आ रही है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रॉन को। एंड नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट एंट्रेंस है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो आप लोगों को काफ़ी और ज़्यादा पसंद आएगा। तो सीक्रेट एंट्रेंस उसकी तरफ चलते हैं जिससे आप हिडन बेस अपना सेव कर सकते हैं या फिर हिडन बेस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो माइनक्राफ्टर्स, ये कोल्ड्रोन एंट्रेंस बोल सकते हैं, सीक्रेट एंट्रेंस, जहाँ पे ये आपका जो कोल्ड्रेन है एक सीक्रेट एंट्रेंस की तरह काम कर सकता है। एंड इसमें आपको रेडस्टोन की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर बकेट की ज़रूरत पड़ेगी, कोल्ड्रोन की ऑब्वियस सी बात ज़रूरत पड़ेगी, स्टिकी पिस्टन आप जितना अमाउंट में चाहे उतना अमाउंट ले सकते हैं, उसका कोई वो नहीं, ऑब्जर्वर इसी पर आपको एक ही लगेगा, एंड लीवर ले लीजिए, एंड रिपीटर्स डिपेंड अपॉन कि हाउ मच यू आर स्टिकी पिस्टन टेकिंग, कितना ले रहे हो आप स्टिकी पिस्टन। तो अगर इसकी बात की जाए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये एक्चुअली में आपके घर के अंदर कहीं भी लगा हुआ है और सीक्रेट एंट्रेंस है आपकी कहीं भी। और इसमें पानी आप जैसे डाला आपने, एंड पानी डालते ही वो आपका चीज़ खुल के बाहर निकल के आ जाएगा। एक्चुअली मैंने नीचे सभी ऑन कर रखा है तो इसके लिए ऐसा हो रखा है। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ओके ठीक है, अब ना इसमें मैंने पानी डाला, अब ये चीज़ ऑफ है। ठीक है गाइस, ये चीज़ ऑफ है अभी फ़िलहाल तो। एंड जैसे ही मैं इसमें पानी डालूँ, जैसे इसका पानी निकालूंगा मैं, पानी जैसे मैंने निकाला एंट्रेंस मेरी खुल गई। और ये एक तरह से आपका इन आउट बहुत ही अच्छा है, बहुत इन आउट काम कर सकता है। और इसको बनाने के लिए बहुत ही इजी तरीका है, अगर मैं बोलूँ तो बनाने के लिए एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं है आपको, बस ये चीज़ सर्किट जो है रेडस्टोन की जो वायरिंग है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पिस्टन एक इधर लगाना है, ऑब्जर्वर लगाना है बीच में, और कोल्ड्रन लगाना है, एक ऑब्जर्वर लगाना है, एंड स्टिकी पिस्टन लगाइए यहाँ पे, एंड उसके चिपकते ही ये रेडस्टोन लगाइए। रेडस्टोन लगाने का रीज़न ये है क्योंकि रेडस्टोन जब इससे अटैच होगा तो ये चीज़ तब जाके खुलेगी। ओके, एंड अदरवाइज़ क्योंकि तभी ऑटोमेटिक काम करेगा, अदरवाइज़ कोई ऑटोमेटिक काम करने का तरीका नहीं है। तो जैसे आप इसमें पानी इसका निकालोगे तो वो उसको पीछे खींच लेगा, तो ये रेडस्टोन की जो वायरिंग है ये चीज़ ऑफ हो जाएगी, तो हम लोगों का ये चीज़ खुल जाएगा। आप इसको अपने साइड से जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। जनरली लोग इसको बहुत अलग अलग वे में ट्राई करते हैं, लाइक टेबल के नीचे या फिर बहुत अलग अलग वे में ट्राई करते हैं। आप चाहे नए, अगर आपने कोई नया ट्राई किया है या फिर आपने आपके पास भी कोई सजेशंस है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड तो अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रॉन को, एंड माइनक्राफ्ट की और नई चीज़ें जानने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। तब तक के लिए मैं कुछ नया सोच करके कुछ आपके पास नया लाते रहूँगा। तो विल टेक केयर, बाय बाय, सी या।